हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि ये सब टेबल है, देखिए ये टेबल वन है, तो टेबल वन में स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट का नेम है, फिर स्टूडेंट की सिटी का नाम है, तो ये तीन चीज है। फिर यहाँ पे टेबल टू है, तो टेबल टू में आप देख सकते हैं कोर्स आईडी है और स्टेट है। और टेबल थ्री है, तो टेबल थ्री में यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी है, कोर्स आईडी है और फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो एक कॉमन फील्ड हमने डाल रखी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी किसी में मैंने कॉमन नहीं दिया है। लाइक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जरूर दिया है, लेकिन कॉमन जो है रजिस्ट्रेशन आईडी को कॉमन नहीं बनाया है। तो अभी हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं क्या, हमको ये समझना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए कहाँ जाना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे तीनों टेबल्स को इंसर्ट कराना है लाइन वाइज। तो ये टेबल वन, टेबल टू और ये टेबल थ्री, ठीक है, तीनों को इंसर्ट करा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल थ्री में कॉमन फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखिए स्टूडेंट आईडी यहाँ पर भी है और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर भी है, तो ये इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट कराना इससे पहले मैंने सिखाया है, ठीक है। अब ये क्योंकि टेबल ओपन है तो ये इसलिए ये यहाँ से पहले क्लोज कर दीजिए, सेव ओपन करके क्लोज कर दीजिए, ये इस तरीके से अब क्लोज हो गया। तो अब देखिए आप ये स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे लाकर रख दीजिए, ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और फिर कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे जाके इस तरीके से, तो ये देखिए ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया और इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी से रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब ये जो कोर्स आईडी है, इस कोर्स आईडी का इस कोर्स आईडी से रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। लाइक देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ बन गया, तो ये हो गई रिलेशनशिप की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको एक में लेके आना होगा तो कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और तीनों टेबल्स को यहाँ ले लीजिए, यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया, तीनों आ गया। तो ये देखिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चाहिए हमें, फिर स्टूडेंट का नेम चाहिए, फिर स्टूडेंट की सिटी चाहिए, कोर्स आईडी चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, बाकी सारी चीजें हैं। यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब ये पूरा रिकॉर्ड हमें दिखेगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रिकॉर्ड दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दिख रही है, स्टूडेंट का नेम है, सिटी है, कोर्स आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए तो देखिए क्या क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट नेम भी है और सिटी भी है। टेबल थ्री में आते हैं, अब टेबल थ्री में रजिस्ट्रेशन आईडी खाली है। यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पर जो हमने क्वेरी बनाई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी दिखेगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, कोर्स आईडी, सिटी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट की आईडी, ये सारी चीजें दिखेंगी, इवन कोर्स आईडी भी है। तो इस तरीके से आप दो तीन चार पाँच इस तरह के टेबल्स हो तो आप लेके आ सकते हो रिकॉर्ड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। अब देखिए होगा क्या, अगर आप कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं, लाइक यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एंटर किया आपने, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा तृप्ति, ठीक है, और यहाँ पर देवरिया लिख दिया, देवरिया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा मैंने और यहाँ पे देवरिया कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ये कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इस टेबल में रिकॉर्ड एंटर करा लिया। अब टू में चलते, टेबल टू में, ये टेबल टू है तो यहाँ पर कर देते हैं आर 116, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं यूपी, ओके। और अब इसको सेव कर देते हैं और एक और रिकॉर्ड एंटर करा लेते हैं, यहाँ पे आर 117 और यहाँ पर कर देते हैं यूपी, ठीक है। और फिर यहाँ टेबल थ्री में आते हैं तो यहाँ पे आर 7, ठीक है, और फिर यहाँ पे आर 116 और फिर यहाँ पे 7, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक एंटर कराया है, यहाँ पर 8 तक है तो यहाँ पे भी 8 तक करना होगा, तो 1008, ठीक है, और फिर आर 117 करना है ना, 7, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे 8, ओके। और अब इसको सेव कर देता है,
तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे क्वेरी में भी ये रिकॉर्ड आ जाएंगे अपने आप? जी नहीं, क्वेरी में रिकॉर्ड तब आएंगे जब आप इस रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक किया तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए आपके सामने, ठीक है। अगर आपने स्टेट को भी, आप स्टेट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप स्टेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप चले जाइए यहाँ से क्वेरी डिजाइन में और देखिए इसमें स्टेट आपने नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो स्टेट को ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, स्टेट भी आ जाएगा और ये रन पे जब क्लिक करेंगे तो अब स्टेट भी आएगी आपके सामने। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।